हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश कोशा या फ़िश करी, जो भी आप लोग बोल सकती हैं। डेलीशियस फ़िश करी कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िश कोशा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ़िश लिए है। फिश अभी अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लूँगी। फिश अच्छी तरह से ठंडे पानी से साफ करके धो लिए हैं। इसमें भी सारे मसाला दे दूँगी, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर, धनिया पाउडर, सारे ड्राई मसाला दे दिए हैं। इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, थोड़ी सी सरसों का तेल देके मिक्स कर लूँगे। मसाला के साथ अच्छी तरह से फ़िश मैंने मिक्स कर लिए हैं। देखिए फ़िश के अंदर सारे मसाला दे दिए हैं। अभी 10 मिनट तक ऐसे ही रख दूँगी, उसके बाद करी बनाऊँगी, फ़िश कोशा बनाऊँगी। दस मिनट हो चुकी है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। फिश कोशा बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें तेल और जीरा दे दूंगी। जीरा फ्राई हो चुकी है, साथ साथ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन दे दूंगी और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन सब फ्राई हो चुकी है, अभी फिर दे दूंगी। दे दिए हैं, अभी अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी 2-3 मिनट तक। मसाले का साथ 2-3 मिनट तक फिश अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अभी ढक्कन देके गैस का फ्लेम लो करके 5 मिनट तक ऐसे पकाना है, उसके बाद पानी दे दूंगी। 5 मिनट तक अच्छी तरह से लो फ्लेम में फिश पकाया है मसाले के साथ। अभी इसमें गर्म पानी दे दूंगी। फिश में गरम पानी दे दिए हैं, देखिए पानी में 1 मिनट में उबाल आ चुकी है। देखिए 5 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छी तरह से फिश पकाया है। मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और 5 मिनट तक लो फ्लेम में ऐसे ढक्कन देके पकाऊंगी। देखिए फिश हमारी लगभग हो चुकी है। इसमें हरा धनिया दे दूंगी। ये देखिए गाइस, फिश करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ फिश करी कैसी बनी।